आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में शास्त्री जी का एक और बयान पढ़ना चाहता हूं। ये बयान उन्होंने शरणार्थियों पर राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में दिया था। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यों के अंदर विधानसभाओं में प्रस्ताव करके जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के भाषण को सुन लीजिए आप, आपको पता चलेगा कि आप कहां जा रहे थे, कहां थे, क्या हो गया आप लोगों का। सभापति जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, हमारी तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रेफ्यूजी सेटलिंग राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में माना है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और ऐसे करते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। क्या बिहार और क्या उड़ीसा, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र या आंध्र, सभी सूबों ने, सभी प्रदेशों ने भारत सरकार को लिखा है कि वे इनको अपने यहां बसाने के लिए तैयार है। किसी ने कहा है 50,000 आदमी, किसी ने कहा है 15,000 फैमिली, किसी ने कहा है 10,000 फैमिली बसाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। शास्त्री जी का ये बयान तब का है जब 1964 में देश में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी। आज बदल गए, हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं, हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं और आप रोड़े अटका रहे हैं, आप रोड़े अटका रहे हैं क्योंकि आपकी वोट बैंक की राजनीति। आदरणीय सभापति जी, प्लीज बैठ जाइए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। तरीका नहीं है ना, प्लीज। 25 नवंबर 1947 को, 25 नवंबर 1947 देश आजाद होने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था। 25 नवंबर 1947 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव क्या कहता है? कांग्रेस इज फर्दर बाउंड टू एफोर्ड फुल प्रोटेक्शन टू ऑल दोज नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान who have crossed the border and come over to India or may do so to save their life and honor। ये नॉन मुस्लिम के लिए, अगर आप आज जो भाषा बोल रहे हैं, प्लीज सिट डाउन, ही इज टॉकिंग अबाउट 1947 कांग्रेस, नॉट प्रेजेंट कांग्रेस, डोंट वरी। आदरणीय सभापति जी, मैं नहीं मानता हूं कि 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कम्युनल थी, मैं नहीं मानता हूं, और आज अचानक सेक्युलर हो गई ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। 25 नवंबर 1947 आपने नॉन मुस्लिम लिखने के बजाय आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान से आने वाले सब लोगों को, क्यों नहीं लिखा ऐसा, क्यों नॉन मुस्लिम लिखा? बंटवारे के बाद, बंटवारे के बाद रिकॉर्ड में जा रहे जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे उनमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। मिश्रा जी, उसमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे, और इन लोगों को, रामदास जी, इन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, आई वुड लाइक टू टेल द शेड्यूल कास्ट हु हैपन टुडे टू बी इंपाउंडेड इनसाइड पाकिस्तान टू कम ओवर टू इंडिया। ये बाबा साहब आंबेडकर ने भी यही संदेश दिया था।
ये सारे बयान जिन महान हस्तियों के हैं वो इस देश के राष्ट्र निर्माता है। क्या वो सभी कम्युनल थे? कांग्रेस और उसके साथी देश के राष्ट्र निर्माताओं को भी वोट बैंक की राजनीति के कारण भूलने लगे हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है।